हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लेडी आई एम जयश्री यादव सो बच्चे आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर नाइनटीन करने वाले हैं सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ठीक है सो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं परचेज मशीनरी फॉर ट्वेंटी थाउजेंड एंड पेड टू हंड्रेड फॉर इट्स कैरेज हमने एक मशीनरी परचेज की है और कैरेज का एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं हम टू हंड्रेड का सो so, सिंपल सी एंट्री पास हो जाएगी क्या होगी देखो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन फर्स्ट मशीनरी परचेज कर रहे हैं सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ठीक है अब देखो मशीनरी अकाउंट हमारे लिए मशीनरी एसेट है अब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम उसे क्या करते हैं डेबिट और कैश भी मेरे लिए एसेट है लेकिन कैश मेरा डिक्रीज हो रहा है राइट मशीनरी हम खरीद रहे हैं और कैश हमारा जा रहा है तो कैश हमारे लिए क्या होता है डिक्रीज होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा क्लियर अब मशीनरी देखो मशीनरी हमने कितने की परचेज करी है बेटा ट्वेंटी थाउजेंड की लेकिन मैंने उस पर कैरेज का एक्सपेंसिस पे किया है मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिस पे किया है तो ये मेरा क्या है इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसमें हम एड ऑन कर देंगे ठीक है तो टोटल मेरी जो मशीनरी है वो कितने की मैंने परचेज करी है ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड तो अमाउंट कॉलम में आप ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड टू हंड्रेड लिख देंगे ओके नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन

एंट्री so क्या हो जाएगी हमारी सेकंड का देखो बैंक अकाउंट बिकॉज हमने अमाउंट मिल रही है हमें ठीक है तो ये हमारे लिए एसेट है और एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं डेबिट करते हैं अब हम उन्हें क्या दे रहे हैं डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं सो so ये मेरे लिए क्या है इट्स एन एक्सपेंसेस राइट और जब मेरे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं डेबिट करते हैं टू एक्स किससे किया था हमने एक्स से ठीक है अब अमाउंट देखो हमारी कितनी आ जाएगी कितना मिलना था हमें अमाउंट फाइव थाउजेंड अमाउंट रिसीव होना था लेकिन हमें मिल कितना रहा है अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है फोर थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी कितने का मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया वन फिफ्टी का हमने क्या कर दिया डिस्काउंट अलाउ कर दिया इज इट क्लियर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं रिसीव्ड बाय चेक अ फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ सिक्सटी पैसे इन अ रूपी फ्रॉम वाई अस थाउजेंड क्लियर समझ में आया हमने एक चेक रिसीव किया है जिसको वाई था जिसे हमने टेन थाउजेंड रुपीज दिए थे ठीक है लेकिन मुझे कितना रिसीव हो रहा है ओनली पैसे रिसीव हो रहा है इन अ मतलब एक रुपए का मुझे ओनली सिक्सटी पैसे रुपी सिक्सटी uh, पैसे ही रिसीव हो रहा है ठीक है सो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा फुल अमाउंट तो मुझे रिसीव नहीं हो रही राइट तो मेरे लिए क्या हो गया इट्स अ बैड डेप ठीक है ऐसे डेटर्स जिन्होंने हमें पैसा नहीं दिया तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी जितनी अमाउंट मुझे रिसीव हो रही है ओनली सिक्सटी पैसे इन रुपी रिसीव हो रहा है सो कैश अकाउंट बिकॉज मुझे अमाउंट रिसीव हो रहा है और एसेट है ये मेरे लिए एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं डेबिट ठीक है बैड डेब क्योंकि फोर्टी पैसे जो था इन रुपी वो मुझे रिसीव नहीं हो रहा तो मेरे लिए क्या हो गया एक्सपेंसेस हो गए राइट ठीक है और एक्सपेंसेस जब मेरे इंक्रीज होंगे तो वो मेरे लिए क्या होते हैं डेबिट होते हैं टू वाई किससे रिसीव होना था वाई से क्लियर अब कितना वाई में कितनी अमाउंट हो जाएगी जितना हमने उसको किया था कितना किया था हमने टेन थाउजेंड में से मुझे पैसे रिसीव हो गया मतलब 10 into 10, uh, 60 divided by 100 आप करोगे तो कितना सिक्स थाउजेंड सिंपल एंड कितना रिसीव नहीं हुआ मुझे फोर थाउजेंड अमाउंट रिसीव नहीं हुआ इज इट क्लियर ठीक है नाउ नेक्स्ट देखो

ठीक है नेक्स्ट डे मुझे एक चेक रिसीव हो रहा है और उस उसपे मुझे कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है कैश डिस्काउंट दैट फाइव परसेंट चेक इमीडिएटली हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया ठीक है सो so एंट्री देखो फोर्थ की सबसे पहले फोर्थ की एंट्री हो जाएगी हमने गुड्स बेचा है तो ये हमारा क्रेडिट सेल है राइट जेड टू सेल्स अकाउंट सिंपल सेल की यही होती है हमारी ठीक है कितनी अमाउंट आ जाएगी बेटा यहाँ पे देखो कितने के गुड्स थे टेन थाउजेंड के गुड्स थे हमारे लेकिन इस पे मुझे ट्वेंटी परसेंट क्या मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है राइट तो ट्रेड डिस्काउंट मेरा कितने का हो गया टू थाउजेंड सो टेन थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड कितनी नेट अमाउंट है जो मुझे रिसीव होगी एट थाउजेंड क्लियर ये हमारा फर्स्ट पार्ट था अब सेकंड पार्ट इसी में क्या बोल रहा है कि मुझे नेक्स्ट डे एक चेक मिल रहा है जिस पे मुझे फाइव परसेंट का कैश डिस्काउंट मिल रहा है और वो चेक मैंने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो इसकी जो सेकंड एंट्री होगी वो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट क्योंकि मुझे चेक रिसीव हो रहा है और चेक अगर मुझे रिसीव होगा तो हम क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि ये मेरे लिए एसेट है और एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है ठीक है डिस्काउंट अलाउड क्योंकि हम डिस्काउंट अलाउड टू जेड क्लियर अब बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट मेरे को रिसीव हो रही है होनी चाहिए एट थाउजेंड होनी चाहिए लेकिन मुझे कितने का हम उसे कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं फाइव परसेंट का हम उन्हें क्या दे रहे हैं कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं राइट ठीक है सो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा एट थाउजेंड एट थाउजेंड का फाइव परसेंट आप कैलकुलेट कर लो कितना डिस्काउंट हो गया आपका फोर हंड्रेड का आपने उनको डिस्काउंट अलाउ कर दिया सो टोटल अमाउंट जो मुझे रिसीव होगा वो कितना है सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज इट क्लियर ठीक है अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं हमारी फिफ्थ सो so, देखो गुड्स कॉस्टिंग ट्वेंटी थाउजेंड सोल्ड टू मनोज एट अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी परसेंट ऑन कॉस्ट लेस टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट ठीक है हम गुड्स सोल कर रहे हैं गुड्स कितने का है ट्वेंटी थाउजेंड का है इस पे हमें क्या ऐड करना है बेटा आपको सबसे पहले सेल प्राइस निकालना है ठीक है ट्वेंटी थाउजेंड की कॉस्ट थी जो हम उसको कितने पे बेच रहे हैं ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहे हैं क्लियर आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट हम कभी भी हमारे बुक्स में शो नहीं करते हैं डायरेक्ट अमाउंट लिखते हैं देखो सिंपल सी इसकी एंट्री पास हो जाएगी फिफ्थ क्या एंट्री हो जाएगी हमारी मनोज टू सेल्स अकाउंट क्योंकि ये हमारा क्रेडिट सेल्स हो रहा है ठीक है अब इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं कितने के गुड्स थे हमारे ट्वेंटी थाउजेंड की गुड्स की कॉस्ट थी इसको हमने कितने पे प्रॉफिट पे बेचा है ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट पे हम इसे बेच रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट हो कितने का रहा है ट्वेंटी सॉरी टू थाउजेंड तो सेल प्राइस हमारी कितनी आ गई ट्वेंटी थाउजेंड प्लस टू थाउजेंड मतलब हमने इसे कितने पे बेचा है सॉरी ट्वेंटी फोर थाउजेंड इधर ठीक है फोर थाउजेंड का क्या हो रहा है हमें प्रॉफिट हो रहा है सो ट्वेंटी प्लस फोर थाउजेंड कितना आ गया ट्वेंटी फोर थाउजेंड क्लियर यहाँ तक समझ में आया अब इस पे हम क्या दे रहे हैं टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं तो इस इसपे टेन परसेंट ट्रेड डिस्काउंट कितना आ गया आपका ट्वेंटी फोर हंड्रेड राइट सो नेट अमाउंट हम कितनी लिखेंगे ट्वेंटी फोर थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फोर हंड्रेड कितनी अमाउंट आ जाएगी हमारे यहां पे ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड इज इट क्लियर आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब थैंक यू